Hi students, how are you? We have completed our two units and today we are going to start our third unit and it is The Little Girl. It is a nice emotional story. I hope you would enjoy it. Let's begin it. One more thing I would like to clarify before we start our today's lesson. I'll send you some PDF regarding your hard words and question answers. Unit 1 and 2 and 3, please start writing your CW, okay? The title of the story is The Little Girl. Before you read, let's clear out some points. Do you feel you know your parents better now than when you were much younger? क्या आपको ऐसा लगता है कि आप जब छोटे थे तब आपको आप आपके पेरेंट्स को ज़्यादा जानते थे? Perhaps you now understand the reasons for some of their actions that used to upset you earlier. आप जब छोटे थे तब पेरेंट्स का कोई बिहेवियर ऐसा था जिससे आप अपसेट हो जाते थे, उसके रीजंस आप बड़े हो गए तो आप अब समझने लगे हो. This story is about a little girl whose feelings for her father change from fear to understanding. Will probably find an echo in every home. ये दरेक होम, एवरी होम का इको, यानी दरेक एवरी होम में, प्रत्येक होम में ये घटना घट गई होगी. क्या है घटना? ये छोटी सी लड़की है, अपने पापा से डर रही है और उसका डर है, उसका फियर है, वो जब बड़ी हो गई तब उसको अंडरस्टैंडिंग में कन्वर्ट हो गया. तब वो समझने लगी, मेरे पापा मेरे साथ इतना स्ट्रिक्ट क्यों थे, मेरे पापा का और मेरी मम्मा का मुझसे मेरे साथ ऐसा बिहेवियर क्यों था, ये सब वो समझने लगती. शायद आपको भी ये प्रॉब्लम होंगे. फॉर एग्जांपल, जब आप छोटे थे तो पापा आपको बाहर की खाने की चीज़ नहीं खाने देते थे. अब आपको पता चला होगा कि क्यों नहीं खाने देते थे. लेट्स बिगिन द स्टोरी. टू द लिटिल गर्ल ही वॉज अ फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड. To the little girl, he was a figure to be feared and avoided. He means the father of the family. ये छोटे वाले बच्चे के लिए उसके पापा एक ऐसा पर्सन था जिससे लोग डरना पड़ता था और जिसको वो अवॉइड करती थी. एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इन टू हर रूम एंड गेव हर अ कैजुअल किस. एवरी मॉर्निंग पापा बिफोर गोइंग टू वर्क केम टू द रूम ऑफ अवर लिटिल गर्ल एंड गेव हर किस, टू विच शी रिस्पोंडेड विथ गुड बाय फादर. और एवरी डे ये छोटी बच्ची वो पापा के किस का ऐसे आंसर देती थी, गुड बाय फादर. एंड ओ देर वॉज अ ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ वेन She heard the noise of carriage growing faintier and faintier down the long road. और उसके पापा की कैरेज रोड के ऊपर दूर दूर तक जाने लगती थी, उसकी आवाज़ फेंट हो जाने होती थी, इट मीन्स स्लो हो जाती थी कि चलो पापा दूर चले गए, ऐसा उसको जब फील होता था तो उसको रिलीफ होती थी, उसको वो रिलीफ फील करती थी कि हाश मेरे पापा चले गए. इन द इवनिंग व्हेन ही केम होम शी स्टूड नियर द स्टेयरकेस एंड हर्ड हिज लाउड वॉइस इन द हॉल. शाम को जब पापा घर पे आते थे तो वो स्टेयरकेस के पास खड़ी रहती थी और पापा का लाउड वॉइस सुनती थी. ब्रिंग माई टी इन टू द ड्रॉइंग रूम. हैजंट द पेपर कम येट. मदर गो एंड सी इफ माई पेपर्स आउट देयर एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स. पापा जब रिटर्न होते थे जॉब में से, वो बेचारी छुप के स्टेयरकेस के पीछे उसके पापा का लाउड वॉइस सुनती थी, मेरी चाय लाइए, पेपर न्यूज़पेपर अभी तक नहीं आए, आप जाके मेरे पेपर्स ले आइए, स्लीपर्स ले आइए, ऐसी ऐसी लाउडली उसके पापा जो बोलते थे वो सुनती रहती थी. केजिया मदर वुड कॉल टू हर, इफ़ यू आर अ गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट्स. The name of the little girl is Kezia. Mama would call her and lovingly ask, if you are a good girl, then please come down and take off father's boots.
Slowly the girl would slip down the stairs, more slowly still across the hall and push open the drawing room door. पहले तो slowly ये छोटी बच्ची ऊपर थी वहाँ से नीचे आती है stairs पे और ज़्यादा slowly हो जाती है और हॉल में तो इससे ही ज़्यादा स्लो हो जाती है और धीरे से ड्राइंग रूम का डोर खोलती थी. स्लीप डाउन इट मीन्स कम डाउन. बाय दैट टाइम ही हैड स्पेक्टिकल्स ऑन एंड लुक्ड एट हर ओवर देम इन द वे दैट वाज टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल. टेरिफाइंग इट मीन्स डर लगने वाला. जब तक वो वहाँ पे पहुँचती थी तब उसके पापा ने अपने नोज पर स्पेक्टेकल लगा लिए होते थे और वो नोज के ऊपर से स्पेक्टेकल में से अपनी बच्ची को देखते थे. ये सीन ये छोटी केजिया के लिए टेरिफाइंग था, बहुत ही डरावना था. वेल केजिया हरी अप एंड पुल ऑफ दिस बोट्स एंड टेक देम आउटसाइड. हैव यू बीन अ गुड गर्ल टूडे. पापा बोलते केजिया जल्दी से आ जाओ, मेरे शूज निकालो, बूट्स निकालो और टेक देम आउटसाइड, बाहर ले जाओ. आज तो आप अच्छी गर्ल बन गई हो ना. तो उसका स्टैमरिंग चालू हो जाता था. आई डू नॉट नो फादर. शी कुड नॉट रिप्लाई हर फादर वेरी वेल. यू डू नॉट नो. इफ यू स्टैमर लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर. स्टैमर करना, ऐसे अटक अटक के बोलना, उसका जो प्रॉब्लम होता है उसको स्टैमरिंग बोलते हैं. तो पापा कहते हैं आप ऐसे स्टैमरिंग करोगे तो आपकी मदर आपको डॉक्टर के पास ले जाएगी. शी नेवर स्टटर्ड विथ अदर पीपल. दूसरे लोगों के साथ ऐसे स्टैमरिंग उसको कभी नहीं होती थी. हैड क्वाइट गिवन इट अप बट ओनली विथ फादर बिकॉज शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपरली. बट पापा के सामने वर्ड्स को वो प्रॉपरली बोल ही नहीं सकते. वॉट इज द मैटर, वॉट आर यू लुकिंग सो रेच्ड अबाउट मदर. आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपियर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड. ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड इट मीन्स अबाउट टू कमिट सुसाइड. हियर केजिया कैरी माई टी कप बैग एंड टेबल टू द टेबल केयरफुली. केजिया आप मेरा टी कप केयरफुली टेबल के ऊपर ले आइए. ही वॉज सो बिग. उसके पापा का डिस्क्रिप्शन आ रहा है. ही वॉज सो बिग. हिज हैंड्स एंड हिज नेक्स एस्पेशली हिज माउथ वेन ही याउंड. वो जब याउंड करते थे तब उसका कितना बड़ा माउथ हो जाता था. थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वॉज लाइक थिंकिंग अबाउट जायंट. पापा के साथ अकेले थिंकिंग करना कि पापा अकेले हैं तो कैसे लग रहे होंगे, तो इसका कैसे वो कंपेयर करती है. इट इज़ लाइक थिंकिंग अबाउट अ जायंट. ये आप देख रहे हैं कि पापा वॉज स्लीपिंग ऑन द सोफा, मदर इज रीडिंग समथिंग. सॉरी देयर इज सम प्रॉब्लम. ओके, ये पिक्चर आपको देखना है. तो जब वो ऊपर होती है संडे को तब उसकी ग्रैंड माँ उसको बुलाती है, उसकी मम्मा नीचे बुलाती है, आप नीचे आ जाइए. तो ये देखो छोटी बच्ची देख रही है, उसके पापा है ना वो सोफा पर स्लीपिंग कर रहे हैं नून का और मम्मा इज रीडिंग न्यूज़पेपर. शी सैट ऑन अ स्टूल ग्रेवली वॉच्ड हिम अंटिल ही वॉक एंड स्ट्रेच्ड एंड आस्क्ड द टाइम देन लुक्ड एट हर. पापा तो सो रहे हैं लेकिन छोटी बच्ची स्टूल पर बैठी ग्रेवली दुखी होकर पापा के सामने देख रही है. अंटिल ही वॉक, पापा वॉकअप वेकअप हो गए, स्ट्रेच्ड अपने बॉडी को स्ट्रेच किया एंड आस्क द टाइम कितने बजे एंड देन लुक एट हर. फिर उसने पापा छोटी केजिया के सामने पापा ने देखा. तो पापा ने क्या देखा, केजिया वॉज लुकिंग एट हिम. डोंट स्टेयर सो. स्टेयर सो इट मीन्स विदाउट ब्लिंकिंग किसी के सामने देखते ही रहना, एक ही टस से देखते रहना, इसको क्या बोलते हैं स्टेरिंग. डोंट स्टेयर सो केजिया, यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल. आप तो आउल जैसी लग रही हो. वन डे वैन शी वॉज कैप्ट इनडोर विथ अ कोल्ड हर ग्रांड मदर टोल्ड हर दैट फादर्स बर्थडे वॉज नेक्स्ट वीक एंड सजेस्टेड शी शुड मेक अ पिन कुशन फॉर अ गिफ्ट आउट ऑफ अ ब्यूटिफुल पीस ऑफ येलो सिल्क. One day she was
she was kept indoors with a cold because बाहर कोल्ड था, so she was kept indoors. तो ग्रैंडमा ने उसे बताया कि नेक्स्ट वीक उसके पापा का बर्थडे आ रहा है, एंड ऑल्सो सजेस्टेड दैट शी शुड मेक समथिंग लाइक पिन कुशन एज अ गिफ्ट आउट ऑफ ब्यूटिफुल पीस ऑफ येल्लो सिल्क. येल्लो सिल्क के कोई एक क्लोथ के कटिंग में से उसके उसको पापा के लिए वो कुशन बनाना चाहिए. लेबोरियसली विथ डबल कॉटन द लिटिल गर्ल स्टिच्ड थ्री साइड. कितनी मेहनत की, लेबर की, विथ लेबोरियसली इट मीन्स विथ लॉट्स ऑफ डिफिकल्टी, विथ लॉट्स ऑफ एफर्ट्स एंड प्रॉब्लम्स. शी जस्ट डबल कॉटन, उसने तीन साइड को स्टिच कर ली, बट वॉट टू फिल इट विथ. तीन साइड्स तो कवर कर ली उसने अच्छे से, लेकिन उसमें अंदर क्या फिलअप करना है, दैट वॉज द क्वेश्चन. द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन एंड शी वॉन्डर्ड इन टू मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर स्क्रैप्स. सो ये छोटी बच्ची केजिया है, वो अपनी माँ के कमरे में जाती है, कुछ स्क्रैप बचा हो तो उसमें डाल दे. ऑन द बेड टेबल शी डिस्कवर्ड अ ग्रेट मैनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर. सो उसने देखा कि बेड के पास जो बेड टेबल है वहाँ पे शीट्स ऑफ फाइन पेपर, अच्छे वाले पेपर की शीट्स हैं. शी गैदर देम, उसने उसको गैदर की, टोर की, इट मीन्स उसको फाड़ दी इंटू टाइनी पीसेस, उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए. एंड स्टफ्ड हर केस विथ एंड देन शूड अप द फोर्थ साइड. आप समझ सकते हैं, पहले उसने येलो वाला क्लोथ का होता है उसको डबल किया, उसके तीन साइड्स उसके अच्छे से स्टिच कर ली, एक साइड ओपन थी जैसे कुशन के कवर की होती है ना, आपने देखे हैं ना कुशन के कवर, तो उसके अंदर कुछ फिलअप करना पड़ता है तब भी वो कुशन बनेगा. तो उसको कुछ नहीं मिला, उसकी ग्रैंड माँ भी गार्डन में थी, तो वो अपनी माँ के कमरे में जाती है और वहाँ पे उसने थोड़े पेपर्स देखे तो उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए और उसको अंदर जो येलो सिल्क कॉटन के कुशन में से बनाया था उसके अंदर डाल दिया. That night there was a hue and cry in the house. That night, जब उसने अपना काम फिनिश किया, there was hue and cry. Sorry, hue and cry. It means angry protest. घर में सब लोग चिल्लाने लगे, गुस्सा होने लगे. Father's great speech for the port authority had been lost. Matter क्या थी? क्यों सब लोग चिल्ला रहे थे, क्यों सब लोग टेंशन में थे? क्योंकि पापा की एक बहुत ही अच्छी स्पीच पापा ने रेडी की थी, किसके लिए? पोर्ट अथॉरिटी, वो गुम हो गई थी. रूम्स वर सर्च्ड, सर्वेंट्स वर क्वेश्चंस, सभी रूम्स में सर्च किया, सर्वेंट्स को क्वेश्चन किया. फाइनली मदर केम टू केजियास रूम. फाइनली मदर केम टू केजियास रूम. केजिया, आई सपोज यू डिडेंट सी सम पेपर्स ऑन अ टेबल इन आवर रूम. मुझे तो ऐसा लगता है कि आपने देखे नहीं होंगे, लेकिन मेरे रूम के पास जो टेबल है आपने देखे हैं? ओह यस, हाँ मैंने देखे हैं. आई टोर देम अप फॉर माई सरप्राइज. मैं अपने पापा को सरप्राइज देना चाहती थी, इसलिए मैंने तो उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए. वॉट, स्क्रीम्ड मदर, कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट. अभी के अभी आप डाइनिंग रूम में आ जाइए. एंड शी वॉज ड्रैग्ड डाउन टू वेयर फादर वॉज पेसिंग टू एंड फ्रो, हैंड्स बिहाइंड हिज बैक. आपने फिल्मों में ऐसे सीन देखे होंगे, जब भी कोई गुस्से में हो तो अपने हैंड्स को पीछे फोल्ड करके रूम में एक वॉल से दूसरी वॉल तक गुस्से में चलते हैं लोग. तो मम्मा जब उसको फादर के पास ले आई तो फादर गुस्से से अपने हैंड्स पीछे बैक रखते हैं, बैक फोल्ड करके वो चल रहे थे. वेल, ही सेड शार्पली, मदर एक्सप्लेन्ड, ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड. मम्मा ने उसको सब बता दिया, वो केजिया की माँ है, उसने एक्सप्लेन किया. तो पापा अटक गए एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड, और बच्ची के सामने देखा. डिड यू डू दैट? नो, शी विस्पर्ड. मदर गो अप टू हर रूम एंड फेच डाउन द डैम थिंग,
see that the child put to bed this instant. माँ ऊपर गई और वो डैम थिंग, वो कुशन था, वो नीचे लेके आई. Crying too much to explain, she lay in the shadowed room, watching the evening light make a sad little pattern on the floor. Crying too much to explain, वो explain करने के लिए बहुत रोई. She lay in the shadowed room, watching the evening light make a sad little pattern on the floor. जो door बंद था तो evening की light है, वो door के ऊपर में से छोटी जगह होती है ना डोर के नीचे से, वहाँ से थोड़ी सी लाइट आती है तो पैटर्न बन जाती है, तो वो देख रही थी. देन फादर केम इन टू द रूम विथ अ रूलर इन हिज हैंड. लेकिन गुस्से में आग बबूले उसके पापा रूम के अंदर आए और उसके हाथ में क्या था, एक बड़ा वाला रूलर था, रूलर इन हिज हैंड्स. आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, आपने जो ब्लंडर किया है इसके लिए आई एम गोइंग टू बीट यू, मैं आपको मारने वाला हूँ. ओ नो नो, शी स्क्रीम्ड हाइडिंग अंडर द बेड क्लॉथिस. बेड का क्लॉथ होता है, बेड का कवर होता है, उसके ऊपर बच्ची ने अपने आप को हाइड किया और उसने बोला No, Papa, no. Please don't do this to me. Hiding under the bedclothes, he pulled them aside. Sit up, he ordered, and hold out your hands. आप अपने हाथ को बाहर निकालो. You must be taught once and for all not to touch what does not belong to you. आपको आज मैं सिखा के रहूँगा कि जो चीज़ आपकी नहीं है उसे आपको टच नहीं करना है. सिट अप, आप बैठ जाइए. एंड होल्ड आउट योर हैंड्स, अपने हैंड्स बाहर निकालो. यू मस्ट बी टॉट, ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, ग्रामर तो भूल ही गए जैसे हम, ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है. यू मस्ट बी टॉट, आपको सिखाना पड़ेगा वंस एंड फॉर ऑल नॉट टू टच वॉट डज नॉट बिलोंग टू यू. जो चीज़ आपकी नहीं है उसे आपको नहीं टच करना चाहिए. बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे, सी ट्राइड टू एक्सप्लेन हर. डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटल पिंक पाम्स, अपनी छोटी छोटी पिंक पाम्स के ऊपर पापा ने रूलर से उसको मारना शुरू किया. ये हमारा फर्स्ट पार्ट, हम यहाँ पे फिनिश करते हैं. बहुत ही इमोशनल स्टोरी है. एक छोटी बच्ची है, अपने पापा से डरती है. पापा को सरप्राइज देने के लिए पापा के ही इम्पोर्टेंट पेपर को छोटे छोटे टुकड़े कर दिए उसने, और उसमें से उसने एक कुशन बनाना चाहा और इसकी सजा मिली. पापा उसे क्या लेसन सिखाना चाहते थे, नॉट टू टच वॉट डज नॉट बिलोंग टू यू. बिलोंग टू यू इट मीन्स आपकी मालिकी नहीं हो, आपकी जो चीज़ नहीं है वो चीज़ आपको टच नहीं करनी है, ये लेसन पापा उसको सिखाना चाहते थे. तो आपको PDF मिलेगी, जैसा मैंने इन द बिगिनिंग ऑफ द लेसन बोला है, आपको CW लिखनी अब से स्टार्ट करनी है. ओके, अच्छे से पढ़ना. आई रियली मिस यू ऑल एंड आई एम ईगर टू सी यू ऑल गाइज. फ्रेंड्स, एंजॉय स्टडी, गुड बाय, टेक केयर, स्टडी वेल. Your golden future is waiting for you. And goodbye, friends. See you.